नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। इससे पहले भी मलिक किसान आंदोलन के समय पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। वहीं आज हरियाणा के दादरी स्थित स्वामी दयाल धाम में माथा टेकने पहुंचे मलिक ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी रहने के दौरान वे पीएम मोदी से मिले थे। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है, तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे जो आप राजा बने हुए हो, उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों। मुलाकात के समय वे बेहद घमंड में दिखाई दिए। मलिक ने कहा मैं किसानों के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया, वहाँ मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे जब मैंने उन्हें कहा कि 500 लोग मर गए हैं, तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या। मलिक ने ये भी कहा कि जब वे गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो उनका कहना था कि किसान आंदोलन को लेकर पीएम को गलत फीडबैक दिया गया है। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि स्थगित हुआ है। किसानों के साथ कोई नाइंसाफी या अत्याचार हुआ तो ये दोबारा शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए। सरकार को ईमानदारी दिखाते हुए किसानों पर दर्ज केस तुरंत वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो वे गवर्नर का पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।